हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? तो सुबह सुबह का टाइम है, आप मेरे को देखकर समझ ही गए होंगे। मैं उठकर बैठी हूँ अभी। तो गाइस सभी बोल रहे, दीदी आप थोड़ा सा व्लॉग दिखाते हो, प्लीज़ अपना डेली रूटीन अच्छे से दिखाया करो। तो गाइस आज से स्टार्ट करते हैं अपना डेली रूटीन, बहुत ही अच्छे अच्छे व्लॉग बनाएंगे। ज़्यादा बड़ा व्लॉग बन गया तो उसके टू पार्ट्स कर देंगे, लेकिन आप लोगों को के लिए पूरा डेली रूटीन दिखाएंगे। और जो अलग से सूट वगैरह के होंगे वो भी आपको अलग से व्लॉग देखने को मिल जाएंगे इंटरेस्टिंग से। तो वैसे सुबह सुबह उठ के मैंने ले लिया है गर्म पानी से थायराइड की गोली, जो कि मैंने भर के पिया है पूरा का पूरा। और गैस उसके बाद करने जा रही हूँ अब मैं प्रेस, क्योंकि मम्मी ने पापा की हाफ स्लीव की टी शर्ट्स निकाल कर वॉश करके रख दिया, तो उनको सबको प्रेस कर देते हैं, क्योंकि सुबह सुबह है तो इतना कोई काम नहीं होता, गोली स्कूल नहीं जाता, कोई कहीं नहीं जाता। तो मैं पहले प्रेस वगैरह निपटा देती हूँ, डस्टिंग वगैरह कर देती हूँ, उसके बाद किचन में जाएंगे फिर कुछ बनाएंगे। तो गैस करते हैं स्टार्ट, क्योंकि मम्मी गई हुई है नहाने, मम्मी कर देगी आज पूजा, मेरा काम हो जाएगा जल्दी। तो चलो गैस करते हैं स्टार्ट। तो गैस करते करते मैंने करती अपनी सारी प्रेस फिनिश, और देखो कहाँ सारी टी शर्ट्स वगैरह सेट कर दी। प्रेस तो हो चुकी है गैस, निकाल देते हैं प्रेस के तार और चलते हैं अब किचन में। तो गैस कर दिया लाइट वगैरह ऑफ, अब जाएंगे किचन में और बनाएंगे अच्छा अच्छा नाश्ता। आज क्या बनाए नाश्ते में? आज सैंडविच बनाएंगे। तो गाइज मैंने आधे घंटे में अपना सारा काम फिनिश कर दिया, किचन का काम नहीं किया अभी, तो सैंडविच बनाने बाकी है, लेकिन जल्दी जल्दी जो भी आया दिमाग में सब कर दिया। दिखाती हूँ आपको क्या क्या किया सिर्फ आधे घंटे में। सबसे पहले गोली की बोतल बॉयल करके रखी, बाद मैंने गोली का दूध गर्म किया, इधर जो रात का दूध था उसकी मलाई निकाली, इधर मैंने बनाई चाय इधर सैंडविच के लिए, और इधर बनाए मैंने बैंगन का भरता, आप देख सकते हो। और गैस हमने बनाई थी आलू गाजर की सब्जी, तो आज थोड़ा सा बजट कम था सैंडविच का, तो मैंने उसमें से आलू निकाल के उसको गर्म करके और उसके अंदर प्याज टमाटर केचप वगैरह चिल्ली फ्लेक्स सब डाल के इसको रेडी कर दिया। वैस आ गया सारा सामान, इसके अंदर बहुत सारा पोहा मैंने बताया था, वैसे तो मम्मी ज़्यादातर गोली के लिए ही लिया है सारा सामान। और इधर आ गए ब्रेड और अब बनाते हैं हम सैंडविच। तो वैस आपको मैं मिली हूँ एकदम से ई रिक्शा में। तो वैसे सुबह का काम वगैरह ख़त्म करके और हम आए हैं, आज कहीं जा रहे हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाना था इसीलिए मैंने सोचा चलिए ई रिक्शा में ही चल रहे हैं, बिल्कुल पास में जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं? इधर है मैं और इधर है सीमा, है ना सीमा? और मैं और सीमा जा रहे हैं भाई। तो सीमा बोली दीदी भाभी चलो ना ई रिक्शा में चलेंगे, मैं चल मजा आएगा। तो गए हमें बिल्कुल 10-5 मिनट के रास्ते पर जाना था इसलिए हम आ गए और अभी हम जा रहे हैं। और कहाँ जा रहे हैं वो हम जाके दिखाएंगे। और आज मैंने बहुत ही सुंदर सूट पहना गर्मी का, वो उसके फुल लुक मैं आपको अब रास्ते में उतरने के बाद दिखाऊंगी। गाइस हम पहुंच चुके हैं लोकेशन पर। तो गाइस वैसे आप सोच के बताओ कि कहाँ पहुंची हूँ। तो भाई सबकी डिमांड, सबकी फेवरेट सार कलेक्शन, तो आ गए हम फिर से सार कलेक्शन पर, क्योंकि सार कलेक्शन के भी नाम अधूरे हैं और सार कलेक्शन पे हम आ चुके हैं। इधर है हमारी दीदी और इधर हमारी क्या नाम बेटी लीजा, ये है लीजा जिससे कि आप मिलते रहते हो, मुझे तो इतनी प्यारी लगती है, क्यूट सी। तो गाइज आज कौन कौन एक्साइटेड है होली के लिए सार कलेक्शन के सूट देखने के लिए, मुझे कमेंट में बताना कि कौन कौन एक्साइटेड था। बहुत ज्यादा, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ भाई, धूप में ही आ गई देखो। और देखेंगे अब दवा के सारे सूट और देखते हैं कौन सा सूट हम सिलेक्ट करते हैं, क्या क्या लेके जाते हैं, ठीक है? तो गाइज हमने सूट देखने बाद में शुरू किया, पहले सोचा कि चलो रील बना लेते, काफी दिन बाद दीदी से मिले, इतने पास में रहते हैं हम तब भी, क्योंकि दीदी बहुत बिजी है रियल में। चलो क्योंकि भाई ननन देवे सब तय, अरे ये मेरी ननन ऐसी है, मैंने भाई कति टाइम नहीं उकन देती, पिरा देवे नु गरी त्यौहार आ गए के पहन ली, मैं कह ले दा बेबे। तो बहुत ही सुंदर सूट लगा मुझे ये, अभी मैंने सबसे पहले ही लिया दुपट्टा हटा के, मैं तुम्हें सूट दिखाती हूं। तो गाइस आप देखो सूट, ये दुपट्टा, और दुपट्टे ने तो मजा ही ला दिया, दुपट्टा देखो भाई पूरा वर्क, लहंगे वाले जर्कन वर्क है पूरे में, बहुत ही ज्यादा सुंदर पीस है। और इसके सबसे अच्छी बात कलर अमेजिंग, एक ये वाइन कलर, ये क्या कौन सा पर्पल, पर्पल और ये फिरोजी रोजी और पिंक पिंक,
तो गाइस कलर तो सारे ही मस्त है, एक से एक है कलर। तो गाइस कमेंट में बताओ मुझे कौन सा लेना चाहिए, कौन सा कलर नहीं मेरे पास। ये आप देखो सारे कलर सुंदर है, सारे कलर बहुत अच्छे हैं अपनी जगह, सीरियसली सब क्या है, बहुत सुंदर है अपनी जगह सारे कलर। एंड वैसे तो ये भी कलर बहुत प्यारा है, देख सकते हैं आजकल है ना दिल्ली में, मिरर बहुत सस्ता हो रखा है। मजेदार कलेक्शन है सार कलेक्शन, वैसे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सार कलेक्शन ट्रेंडिंग में है और इसके सूट भाई सबसे अलग और यूनिक होते हैं, कोई थोड़े बहुत सूट नहीं होते, पूरी दुकान ऐसे ठुक ठुक कर भरी रहती है और घर भी पूरा भर रखा है भाई, दो दुकान ले रखी है वो भी कम पड़ रही है। मैं ये कहती हूँ दीदी रोहतक से सूट लाते हैं, रोहतक ही बेचती है, रोहतक के क्लाइंट आते हैं, रोहतक की नहीं रोहतक के यहाँ आते हैं। अच्छा तो मैं ये सोचूं कि रोहतक से सामान ला के रोहतक ही क्यों बेच रही है, मेरा कुछ नहीं बिकता, मैं रोहतक का मैं लेके आती। भाई दीदी कह रही है कि रोहतक से मैं नहीं लाती, रोहतक तक के बंदे मेरे पास लेने आते हैं, ये वो पता है गाइस वीडियोस देखते रहते हैं, तो इसमें शेड अब अभी एक तो ग्रे बहुत सुंदर लग रहा है और सबका ट्रेंडिंग पर्पल पर्पल तीन ही शेड है, सो एलिगेंट सो ब्यूटीफुल पर्पल भाई सबकी जान बन चुका है मेरे हिसाब से, तो 2023 में सबने पर्पल पहनने होंगे एक दो। मेरी पहले कमर व्हाइट से भरी रहती थी, अब पर्पल मैंने भी इतने पर्पल पहने, तो मेरी मम्मी कह लगी है और कुछ भी लेने का, वो कहना पर्पल ये पसंद है भाई मैंने, जयपुरी में बहुत सुंदर है, नहीं अभी किसी के पास भी पिक्स है ओनली पर सूट नहीं है, सच में पसंद आई है। माली मोती मम्मी का नहीं बनेगा भाई, मना तो मम्मी मने यहाँ पसंद आ गया, चलती है बता क्या करूँ। एक इसमें ये शेड है, एक इसमें अरे होली पर बहुत सुंदर लगता कलर, मतलब होली के मतलब का ही है, तो शॉप पे विजिट कर लो जो नियर बाय है भाई, जो भी नियर बाय है सभी को पता है सार कलेक्शन का इतने अमेजिंग सूट आ रखे हैं होली के लिए, फिर बिक जाएंगे ना फिर मत बोलना, होली के अकॉर्डिंग वो व्हाइट और वो भी देना, वो यानी यूज एंड थ्रो कर सकते हो क्योंकि होली पे ही होता है ना कि क्या बोलते हैं कोई भी कलर भी डाल देता है, कोई भी कलर डाल दे भाई, ये देखो कितना मजेदार है, भाप भी पहन के जा सकते हो और इसका दुपट्टा सच में अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा और इसका दुपट्टा भी अच्छा है होली के लिए, मेरी मम्मी कोई नहीं जो आप वो पसंद करोगे बेटा वो, वैसे भाई ये अच्छा है पीस बता दे उसको, और इसमें दो डिजाइन आ रखे हैं मेरे को, ये बहुत प्यार लगा दुपट्टा, क्या निकाल रही है सारे आएगा नहीं पहनने के बाद, और ये सूट ऐसे है यूज एंड थ्रो बहुत रीजनेबल प्राइस के, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, ये है कि यूज होली पे पहन के, जैसे आजकल ट्रेंड है ना व्हाइट पहनना क्रीम, सही बात है, सही बात है, तो ये देखो वाओ पैलेट बना हुआ है इसके ऊपर, और सूती दुपट्टा जब पहन के गंदा हो जाए तो ठीक साढ़े पाँच सौ रुपये में क्या, सही बात है, वेरी नाइस। एक ये है इसमें कलर, एक ही सिंगल ही कलर है, दूसरा पीस का है, एक पीस अच्छा है, एक ये बटरफ्लाई वाला, इसी में दो आई है, ये है यूज एंड थ्रो अपना पहन लो, सही बात है, जान लोगे सिलाई भी यहाँ पे तो सिली देखो अभी, सही बात है, मम्मी तो सी ले जा, हम परेशान सिलवाने के ऊपर, चाहे 500 का सूट है चाहे 1000 का चाहे 900 का है ना, सही बात है, सिलाई में अच्छा आ जाए ना सूट की कोई वो नहीं होती। देखो गाइस बटरफ्लाई अभी भी इतनी ज्यादा ट्रेंडिंग में है, ट्रेंडिंग में क्या दोबारा आ गई, दोबारा आ गई, बीच में थोड़ा रुक गई थी, अब इतनी ज्यादा हर सूट पे आ गई, तो भाई जिसको भी लेना ले लो, और ये आ रहा है भाई हमारे निशा दीदी वाला सूट, ऑरेंज सबका फेवरेट, बहुत सुंदर, वाओ
इसमें कलर शेड आ जाएंगे आपकी, पिंक है, ओरिजिनल मिरर का काम है गाइस, हल्दी है, जर्कन वर्क है और ओरिजिनल मिरर है। देखो भाई होल फूड के लिए हल्दी उसके लिए क्या है, होली के लिए देखो, होली लाइक हल्दी मेहंदी और ऑरेंज आजकल मांगते हैं ना, ऑरेंज बहुत ज्यादा डिमांड में है, ऑरेंज भी नहीं जा रहा, जैसे कि बटरफ्लाई नहीं जा रही तो ऑरेंज भी नहीं जा रहा। और ये पाकिस्तानी दुपट्टे के साथ हॉट रेड कलर बहुत मांगते हैं, तो देखो हॉट रेड के साथ ये लोग बहुत सुंदर दुपट्टा है, देखोगे तो अरे वाह उसके लिए करवा चो, ये देखो ये इसका दुपट्टा, वाह कलर मजा आ गया ना देख कर, कलर शेड देखो भाई इतने सूट आते हैं, पर जब भी मैं सारे कलेक्शन पर आती हूँ ना तब भी मेरा ऐसा दिखाता है ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, के बाद यहाँ से लेके जाएगी तब भी ऐसा मन करता है ये भी ले लूँ ये भी ले लूँ। हाँ कलर शेड देखो गाइस, इसकी दुपट्टा दिखाती हूँ, दुपट्टा सबके साथ इस टाइप का ही है, कलर देखो गाइस बहुत प्यारे प्यारे शेड है, ऑर्गेंजा फैब्रिक रहेगा, बिल्कुल नए नए आ रखे हैं पीस, अभी ओपन भी नहीं हो रखे हैं, बिल्कुल न्यू न्यू दिखा रहे हैं, इतने हैं बस करके दिखा नहीं सकते। हाँ सही बात है, ये ना पूरा दिन चाहिए उस चीज के लिए, अगर पूरे दिखाने लगे बिल्कुल चाहिए भाई, ये देखो ये भी काफी टाइम से चला हुआ है, ये नहीं है न्यू है बट रिस्टॉक होता रहता है, इसके कलर शेड बहुत सुंदर है ना, ये चीज भी प्यारा है, दुपट्टा देखो ना कट वर्क का दुपट्टा है, जैसे की सूट है ये बहुत ही प्यारा दुपट्टा है इसका, है ना, और कलर शेड देखो, ये भी इतनी ट्रेंड में रहता है बहुत ही ज्यादा भाई, एक्साइटिंग और ये तो मोस्ट डिमांडिंग पीस। तो भाई स्टॉक इतना है, जिसको भी शॉप पे विजिट करना है सबको पता है नजफगढ़ शाम इनक्लेव भाभी के बिल्कुल पास ही है, मुझे मैसेज कर देना भाई और मेरे को बोल देना कि आपको पता है, मैं लोकेशन सेंड कर दूंगी, टेंशन मत लेना, लोकेशन सेंड कर देंगे आपको, जिसको भी शॉप पे विजिट करना है नंबर मेंशन है 82 87 24 90 44, और भाई आईडी आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगी, इंस्टाग्राम पर भाई आईडी में सारे सूट डाले जाते हैं, आप ऑनलाइन भी पेमेंट कर सकते हो, ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, क्योंकि भाई कोई दूर का ज्यादा कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, हाँ भाई सीओडी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि भाई ऑनलाइन पेमेंट तो जिसको भी शॉप पे विजिट करना वो शॉप पे विजिट करें, और आप सूट देख सकते हो, मैं सोच रही हूँ कितने दिखाऊं आपको, तो वो मैं दिखा नहीं सकती, अभी दिखाएंगे सभी है बस आपको ये बोलना कि दीदी ये वाला है आपके पास, तो हाँ ही निकलेगी ना नहीं निकलेगी, ये भी आया है क्रेप में बनवाए हैं भाई, मैं तो आगे से लेकर आती हूँ, सही बात है, खुद नहीं बनवाती हूँ, सही बात है, काफी आज के लड़के हैं हमने ये बनवाया, तो ये क्रेप पे है ना, पहले हैवी रेंज में था, ये लाइट रेंज में बनवाया, वाइन कलर की बहुत डिमांड होती है ना, ये कलर बहुत प्यारा लग रहा है भाई, और कलर शेड आएगी इसमें, एक ये गाइस वाइन वाला कैसा लग रहा है, एक ये एक इसके पीछे और तो पता है, और भाई बिल्कुल टाइम टू टाइम डिलीवरी होती है, तो जल्दी से जल्दी नहीं, थोड़ा बहुत लेट हो जाती है भाभी, कस्टमर नहीं मैसेज करेंगे लेट हो जाती है, नहीं, तो नहीं। वो इसलिए हो जाती है आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, हाँ, नहीं नहीं वैसे तो टाइम टू टाइम होती है, आउट ऑफ स्टॉक होने के बाद तो वही स्टॉक का वेस्ट करना है, क्योंकि मिरर वर्क है ना तो थोड़ा सा हैंड वर्क बनने में टाइम लगता है, ये तो है, ये सिंगल कलर बहुत सुंदर, तो एक होता है ना पर्सनली कोई चीज पसंद आए तो पर्सनली वाला पसंद है ना, तो गाइज स्टॉक इतना सारा है, सारा नहीं दिखा सकते हम, तो आपको शॉप पे विजिट कर सकते हैं, और सार कलेक्शन पे ज्यादातर मोस्टली सारे सूटों की वीडियो मैं डालती ही रहती हूँ टाइम टू टाइम, तो आपको आप वहाँ पर भी देख सकते हो, इंस्टाग्राम की आईडी आपको इंस्टाग्राम पर मिलेगी, एंड इसमें भी मैं उसका लिंक दे दूंगी, आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा सार कलेक्शन का, ठीक है, चाहिए व्हाट्सएप नंबर जिसपे कि आप मैसेज कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हो और मैसेज भी कर सकते हो, तो मैं वो नंबर भी डाल दूंगी, तो आप मैसेज भी कर सकते हो और कॉल भी कर सकते हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि भाई कोई कोई बोलता है मैसेज करना है कॉल नहीं करनी, तो गाइस अब बताओ मुझे कौन सा लेना चाहिए, मैसेज करके बताओ वैसे तो ले जाएंगी पर मैसेज में जो जिसका सबसे ज्यादा होगा वो दोबारा मंगवाएंगे फिर वो दोबारा मंगवाएंगे भाई, सही कह रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो सही है, लेकिन पे तो शाइनी हो रहा है दोनों ही सिमिलर है, देखिए नीचे का होगा ऊपर नीचे का, इसमें जो पिंक ऊपर है इसके नीचे मतलब थोड़ा सा लाइट में वो थोड़ा डार्क में है, यही देते बैंड कर दे पैक, मेरी मम्मी ने भेजूंगी बेबे, मेरी मम्मी तो दे दियो एक नंबर का क्योंकि भाई मैं ये पूछ के ना नू देख कर लेना पड़ेगा क्या होगा, यो कर दो आंटी पैकिंग,
इतना सारा डांस कर दिया गली के अंदर, मजे आ गए दीदी के साथ। और लाल मुंह होगा और बुरा हाल होगा भाई, कहती इव जाऊंगे घर में। सारदी का बुरा हाल हो गया भाई, बिल्कुल बिल्कुल रेड रेड चिक हो गए दीदी के। और गाइस हमने ले लिए अपने सूट, इधर है हमारे सूट, और अब हम जाएंगे अपने सूट लेकर अपने घर को, और घर जाके मम्मी को दिखाएंगे, फिर मम्मी को कैसे लगेंगे वो बताएंगे। यदि दही पसंद आएगा तो मम्मी को फिर भेजेंगे इधर को, फिर मम्मी लेके जाएगी सूट, हाँ फिर मम्मी लेके जाएगी दोबारा से। आओगी दूसरा लेने, वापस कराना और आंटी ने वो तेरा कार में आ गया। हाँ ठीक है, तो चल फिर दूसरा ले आऊंगी। भाई हमने तो अपनी तरफ से अच्छा लिया, क्योंकि भाई आते नहीं है ना मम्मी के साइज के। आप देखते हैं गाइस घर आ गए थे, और घर आके मैंने चेंज करके सो गए, और आप देख सकते हो धूप में बना बना के वीडियो कैसी हालत कर ली मैंने फेस की भी। तो गाइस करेंगे मोनिका मटलोडिया के प्रोडक्ट का नाश, तो लगाएंगे प्रोडक्ट्स, क्योंकि मुझे भाई रील्स भी बनानी थी, और धूप में रील्स शूट कर करके बुरा हाल हो रखा था। देखो आप देख सकते हो, वैसे उसके प्रोडक्ट से स्किन अच्छी तो होती है लेकिन उतनी ख़राब भी हो जाती है, बाहर इधर उधर जाते हैं तो भाई वीडियो बनाते हैं तो ख़राब भी हो जाती है, तो दोबारा से करते हैं प्रोडक्ट्स लगाते हैं सारे, और अपने फेस को बिल्कुल क्लीन करके आपको ऐसे ही विदाउट फिल्टर व्लॉग में हम इसका रियल रिजल्ट दिखाएंगे आपको, लाइव रिजल्ट दिखाएंगे हम आपको। तो गाइस स्टार्ट करते हैं, मैं अभी अपना बन वगैरह बना लेती हूँ और उसके बाद स्टार्ट करते हैं। तो गाइस मैंने कर लिया अपना D10 पैक और फेस बिल्कुल हो गया क्लीन क्लीन, पर मेरे अभी सर में बहुत ही ज़्यादा दर्द है। तो गाइस बनाते हैं खाना वगैरह और करते हैं फिर रात को सोने का इंतजाम और सो जाते हैं, फिर मिलते हैं सुबह नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ भाई व्लॉग को प्यार देना बहुत सारा, और जिसको भी जो भी सूट लेना है आपको आई बटन पर उसकी आईडी मिल जाएगी, फ़ोन नंबर भी मिल जाएगा, तो आप वहां से ले सकते हैं। तो जल्दी जल्दी जाओ उन्हें फॉलो करो, और भाई अपने लिए भी सूट खरीद लो इंस्टाग्राम पर। और गाइस आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, यदि आप चाहते हो कि मैं इस टाइप के डेली व्लॉग बनाऊं तो मुझे ज़रूर बताना, मैं डेली व्लॉग बनाऊंगी और भी ज़्यादा से ज़्यादा क्लिप ऐड करने की कोशिश करूंगी मैं अपने घर में क्या क्या करती हूँ। एंड गाइस आज वाला सूट आपको किस किस को अच्छा लगा, किस किस को सूट चाहिए ये वाला, तो प्लीज़ मुझे व्हाट्सअप पे कमेंट करना, तो जिसका कमेंट सबसे पहले मुझे मिलेगा, जिसका मतलब भाई मैसेज आ पाएगा मुझे व्हाट्सअप पे, तो उसी को मैं दूंगी पक्का पक्का। बाय, गुड नाइट, अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।